बेटा मीन पोजीशन पे वाई की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों से ये चीज पूछ रहा हूं मैं। सर जीरो होगी हाँ, सर जीरो। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप लोग बोलने में। तो मीन पोजीशन मैंने बोला होगी जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वाई की वैल्यू क्या होगी। फाइव बाई टू। हाँ, पाई बाय टू। क्यों, पाई बाय टू तो एंगल है, वाई तो डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता ना एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन सी होती है। ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम प्लस पोजीशन, आइदर प्लस प्लस वन ए माइनस और माइनस ए, प्लस ए और माइनस ए, ठीक है। यस यस तो हमने क्या किया, हमने पोजीशन की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया, हमारे पास वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर हमने इस इक्वेशन को दो अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किया, एक तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रखा, बस फंक्शन चेंज किया, साइन वाला लाया, क्योंकि वाई भी साइन फंक्शन के टर्म्स में था। तो हमें पता चला जी वेलोसिटी लीड कर रही है, यहां फेज एंगल आ गया ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो हमें पता चला वेलोसिटी लीड कर रही है डिस्प्लेसमेंट को एंगल पाई बाय टू से। दूसरा हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ वाई। कैसे किया, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और फिर ए को अंदर लेकर गए, ए रूट के अंदर जाएगा तो ए का स्क्वेयर जाएगा, तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, ए साइन ओमेगा टी होता है वाई। तो अल्टीमेटली इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ओमेगा और ए तो फिक्स्ड होंगे, वाई की वैल्यू बदलती जाएगी, वाई की वैल्यू बदलेगी तो अलग अलग पोजिशन पर बॉडी की वेलॉसिटी अलग अलग होगी। बॉडी मीन पोजिशन से 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो वेलॉसिटी कितनी है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो वेलॉसिटी कितनी है, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो, आपको वेलॉसिटी मिल जाएगी। और फिर हमने ये देखा कि भाई मीन पोजीशन पे जब बॉडी पहुंची तो वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इस फंक्शन में वाई की वैल्यू को जीरो पुट करो। जीरो कैसे, ओमेगा रूट एस पर। हाँ ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर हुआ ना, वाई को जीरो पुट किया तो ए स्क्वायर का रूट कितना होगा, ए। तो ए ओमेगा हुआ कि नहीं, यस सर इजंट इट द मैक्सिमम वैल्यू। और आप पहले से भी जानते थे कि मीन पोजीशन पे, एक पेंडुलम के ऑसिलेशन को भी देखते थे कि जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होती है। अब आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे वाई की वैल्यू चाहे प्लस ए पुट करो चाहे माइनस ए पुट करो, यहां पे प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर है, माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर, तो बताओ वी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। हाँ, सर जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी मोमेंटली रेस्ट पे आती है ना, उसके बाद ही डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है, समझ आई ये चीज आप लोगों को। तो अल्टीमेटली पोजीशन की वही इक्वेशन जिससे इतने दिनों से डील कर रहे थे, आज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में भी हमने देखा अल्टीमेटली पोजीशन की वही इक्वेशन आ रही है, या तो ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस माइनस फाई नॉट हो सकता है। आप कोई और इक्वेशन लेके इसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करो, जो मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करने की कोशिश करेंगे, आप इसी को कोई दूसरी इक्वेशन लेके उन्हीं रिजल्ट्स को प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया है। तो वो आप कैसे कर पाएंगे, आप इनिशियली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को ए कॉस ओमेगा टी ले लें, उसको डिफरेंशिएट करें, फिर यहां इक्वेशन साइन की टर्म्स में आ जाएगी, फिर उसको कॉस में कन्वर्ट करें, और रिजल्ट क्या है जो आपने प्रूव करना है, आपने प्रूव ये करना है कि वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय टू रेडियन, ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी है, तो आपको ये बताना है कि वेलोसिटी लीड्स पोजिशन बाय डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय टू रेडियन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री से या पाई बाय टू रेडियन से आगे चलेगी। नहीं भी समझ आ रही स्टेटमेंट तो दिमाग में पहले बिठा लो, क्योंकि सोचने पे समझ आती है, आप इसको इंटरप्रेट तो करोगे बाद में क्या मीनिंग हुआ इसका, तो वो मीनिंग पे बाद में आते हैं। फिलहाल ये बात समझ आई कि वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय टू रेडियन, आपने दूसरी इक्वेशन लेके चलना और ये चीज प्रूव करनी है। और दूसरा चीज जो मैंने यहां पे प्रूव किया वो क्या है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ रहा है ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपने देखना है कि अगर आप शुरुआत में y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी वाली इक्वेशन को लेकर अगर आप चलते तो क्या तो भी आप सेम रिजल्ट प्रूव कर पाते, क्योंकि
क्या रिजल्ट प्रूव करना था आपने? ये वाली इक्वेशन कि जो वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है, दैट इज ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो क्या आप ये प्रूव कर पाते हैं कि नहीं दूसरी इक्वेशन को लेके? तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी, आप सबने ये करना है, ठीक है? समझ आ गया ये? यस सर। ओके, यस सर। अब वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय टू का मतलब ये है बेटा, देखो फुल साइकिल में कितना फेज एंगल होता है? टू पाई। पाई बाय टू फुल साइकिल का 1/4 है, तो पूरा वो जो ग्राफ बनता है उसका चौथा हिस्सा लो। कि जब पोजीशन जीरो वैल्यू पे होगी, मतलब मीन पे होगी, तो वेलोसिटी अपने एक्सट्रीम पे होगी, वेलोसिटी एक्सट्रीम पे होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जब पोजीशन मैक्सिमम हो जाएगी प्लस ए या माइनस ए, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर पोजीशन जीरो हुई, वेलोसिटी फिर मैक्सिमम होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर पोजीशन मैक्सिमम हुई, वेलोसिटी फिर जीरो होगी। तो वेलोसिटी थोड़ा सा आगे चल रहा है, वैसा ही ग्राफ है वेलोसिटी का भी, वेरिएशन वैसी है लेकिन थोड़ा सा आगे। जहां डिस्प्लेसमेंट की पीक है वहां वाई की वैल्यू जीरो है, जहां वाई की वैल्यू पीक पे है वहां वी की वैल्यू जीरो है, और जहां वाई जीरो है वहां वी पीक पे है। तो ये इसका मीनिंग है कि वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई बाय टू रेडियन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब वेलोसिटी निकाल ली तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी तो निकालनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने क्या देखा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये एक बॉडी का SHM था, उसके लिए एक पोजीशन की इक्वेशन हमारे पास थी, इसको लेकर हमने वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y a ओमेगा cos ओमेगा टी, और फिर फाइनली हमने इसको दो अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किया। एक फॉर्म में तो हमने लिखा इट इज a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और दूसरी फॉर्म में हमने इसको लिखा v इज इक्वल टू ए सॉरी ए नहीं ओमेगा ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहीं से ये दो इक्वेशंस आई हमारे पास, तो यहां तक हम पहुंचे। अब हमारा टारगेट है पार्टिकल की एक्सेलरेशन की वैल्यू डिटरमिन करना, कि पार्टिकल में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है, तो जरा चेक करते हैं। तो अब हमारा टारगेट है पार्टिकल की एक्सेलरेशन डिटरमिन करना। तो बेटा एक्सेलरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ मुझे। वही करेंगे जो हमने पोजीशन की इक्वेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए किया था। सो कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ क्विकली। इजंट एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी? यस सर। यस सर। इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी के फंडामेंटल इक्वेशन को उठा लो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप किसी को भी उठा लो, इसको भी ले सकते थे इसको भी, बट ये टी की टर्म्स में था ही नहीं तो इसको ले सकते थे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आना है। तो अब आप जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए टू बी माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो ए और ओमेगा तो पहले से यहां थे, कोफिशियंट है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आना चाहिए माइनस साइन ओमेगा टी, इजंट इट सो? लेकिन अगेन टी ना हो क्या, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, टी की जगह ओमेगा टी है, तो आपको ओमेगा टी के डेरिवेटिव से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि फिर से ओमेगा होगा, चेन रूल जिसको हम कहते हैं। तो एक बार फिर से जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन निकल के आ गई। तो जैसे वेलोसिटी की फंडामेंटल इक्वेशन ये आई थी, तो यहीं पर एक्सेलरेशन की जो फंडामेंटल इक्वेशन आपके सामने आ रही है, दैट इज ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को देख के आप क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? पहली इंटरप्रिटेशन, क्या एक्सेलरेशन भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ओमेगा स्क्वायर कैसे है? ओमेगा कैसे आया था वेलोसिटी की इक्वेशन में? आप बेटा डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, कॉस ओमेगा टी को? अगर तो ये कॉस टी होता तो इसका डेरिवेटिव आ जाता माइनस साइन टी, अगर कॉस टी होता तो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, बट कॉस टी थोड़ी है, कॉस ओमेगा टी है।
की जगह अनदर फंक्शन ऑफ टी है, तो माइनस साइन ओमेगा टी तो आएगा, लेकिन टी की जगह जो अनदर फंक्शन ऑफ टी है उसके डेरिवेटिव से आपको दोबारा मल्टीप्लाई करना है, आप ओमेगा टी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ओमेगा आया। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ये सबको समझ आ गई ये इक्वेशन? यस सर। तो यहां पर एक चीज हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन वेरी सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम, क्योंकि ये वैसे ही हार्मोनिक फंक्शन साइन आ रहा है, तो टाइम के साथ ये भी एक्सेलरेशन भी कभी जीरो होगी, कभी मैक्सिमम होगी, कभी फिर जीरो होगी, फिर डायरेक्शन रिवर्स करेगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइड पीक एक्वायर करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोजीशन वेरी कर रही है एक्सेलरेशन भी वैसे ही वेरी करेगी। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड होगा, वो कितना होगा? ए ओमेगा स्क्वायर। साइन या कॉस फंक्शन का जो कोफिशियंट होता है, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ए क्या है? पीक वैल्यू ऑफ y, यहां क्या है? ए ओमेगा, पीक वैल्यू ऑफ v, तो यहां क्या है? ए ओमेगा स्क्वायर, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये भी क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। और तीसरी चीज, साइन माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिकली तो वेरी कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइकिल पहले शुरू होगा। जैसे पोजीशन का पॉजिटिव साइकिल, मीन पोजीशन से बॉडी ऊपर जा रही है, तो पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का नेगेटिव। और पहले भी बताया एक्सेलरेशन और पोजीशन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो एक्सेलरेशन नीचे होगी, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड है पार्टिकल की, तो एक्सेलरेशन की शुरुआत कहां को हो रही है? नेगेटिव साइड को, तो माइनस साइन ये चीज इंडिकेट कर रहा है। इज इट क्लियर नाउ? यस। अब इसमें फिर से वही दो चेंजेस लाएंगे जो हमने पहले लाई। ऑलरेडी ये साइन फंक्शन की टर्म्स में है, हम इसको साइन में ही रखेंगे, लेकिन हमें फेज का कंपैरिजन करना दोनों का, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का कहो, या एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का। तो कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन? इट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। Yes, तो ये क्या आ जाएगा? ये वापस वही इक्वेशन बन जाएगी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी होगा, वापस यही इक्वेशन है। तो एक मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इससे कुछ और चीज समझ आई आपको फेज को लेके? एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट वाई बाय कितने रेडियन? पाई रेडियन। जहां वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस फेज था ओमेगा टी, तो इसका इंस्टेंटेनियस फेज है ओमेगा टी प्लस पाई। और आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी वी बाय पाई बाय टू रेडियन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पाई बाय टू रेडियन से लीड कर रही है, और वेलोसिटी को लीड कर रही है एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? देखो यहां इंस्टेंटेनियस फेज क्या था? ओमेगा टी। यहां कितना? ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये इससे पाई आ गया, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई रेडियन आ गया। लेकिन वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस फेज यहां देखो, जब साइन फंक्शन में लिखा तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये कितना? ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लीड कर रही है पाई बाय टू रेडियन से। तो पोजिशन को लीड कर रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी को लीड कर रही है एक्सेलरेशन, पोजीशन और वेलोसिटी में भी पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी पाई बाय टू का, और एक्सेलरेशन और पोजीशन में या डिस्प्लेसमेंट में देखोगे तो पाई रेडियन का। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब यहां बेटा दूसरी साइड अगर आप देखें, जब मैंने यहां पर दूसरी इक्वेशन लिखी थी वेलोसिटी की, तो किसकी टर्म्स में लिखी थी? पोजिशन की टर्म्स में। तो वैसे अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखना हो, वो तो सिंपल हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया। देखो इस इक्वेशन में ए साइन ओमेगा टी क्या होता है? वाई। तो अगर आप ए साइन ओमेगा टी की जगह वाई लिख देंगे तो क्या बना? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बना कि नहीं? यस सर। ठीक है, और यहां पर भी अगर आप देख लें, एक्सट्रीम पोजिशन होगी, वाई की वैल्यू ए होगी, तो एक्सट्रीम पोजिशन पे और मीन पोजीशंस पे अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को कंपेयर करें तो व्हाट विल यू गेट? आप देखोगे एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो एक्सेलरेशन है
माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो कभी वाई प्लस वन होगा कभी माइनस वन होगा, तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए पहले भी कहा था ये पीक वैल्यू आ रही है ए ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड, ये एक्सेलरेशन। और जब मीन पोजीशन पे होगा तो वाई जीरो हो जाएगा, जब वाई जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन पे कितनी हो जाएगी, जीरो। पार्टिकल मीन पोजीशन से जितनी ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, तो यस ये एक मेजर पार्ट आपका कवर हो गया। तो दो अलग अलग तरीके से हमने डिफाइन किया, पहले तो एस एच एम को ज्योमेट्रिकली और उससे पहले इक्वेशन की टर्म्स में, फिर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, अब वेलोसिटी की इक्वेशन को दो अलग अलग फॉर्म्स में लिखा, फिर वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो हमें एक्सेलरेशन मिली, उसको दो अलग अलग फॉर्म्स में लिखा, एक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। तो इन सब चीजों को रिपीट करना आपने, अच्छी तरह दिमाग में बिठाना। ठीक है, बिठा सकते हैं ना? यस। नहीं, दुखी हैं सर, छोड़ नहीं रहे हैं, काम कम करते हो यार, आप खुद ही डाउट्स पूछ लिया करो तो मैं आपको छोड़ दूं, मुझे ही करवाना पड़ता है सब कुछ। अब लास्ट में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं ये जो पाई बाय टू या पाई रेडियन से लीड करने का मतलब क्या है। ये आ गया हमारा टाइम एक्सिस, टाइम जीरो टी बाय फोर, टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर और कैपिटल टी टाइम हम ले रहे हैं। अब इसी एक्सिस पे हम पोजीशन भी प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी भी प्लॉट करेंगे और एक्सेलरेशन भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पोजीशन का ग्राफ प्लॉट करता हूं। पोजीशन के ग्राफ के लिए मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूं, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसकी पीक वैल्यू अगर प्लस ए है वाई की और यहां माइनस ए, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी बार ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये आ गया आपका पोजीशन का ग्राफ। ठीक है, अब हम आते हैं वेलोसिटी के ग्राफ पे। वेलोसिटी का ग्राफ हमने ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी या बाद में इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा था। एक चीज तो क्लियर हो गई, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है ए ओमेगा, तो मान लो ये वैल्यू है ए ओमेगा। अब जब टाइम जीरो होगा, कॉस जीरो वन होता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू ए ओमेगा के बराबर होगी टाइम जीरो पे। तो इसका ग्राफ कॉस फंक्शन वाला टी बाय फोर पे जीरो हो जाएगी, ये आ गया माइनस ए ओमेगा, तो टी बाय टू पे ये हो जाएगी माइनस ए ओमेगा, थ्री टी बाय फोर पे जीरो और फिर से प्लस टी पे वापिस ये। तो अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ यहां प्लॉट करें, हाँ ए ओमेगा की वैल्यू ए से कम भी हो सकती है अगर ओमेगा की वैल्यू लेस देन वन है, तो मैंने तो फिलहाल ए ओमेगा की वैल्यू ए से ऊपर दिखाई, चलिए वो मैटर नहीं करता, हम यहां देख रहे हैं बस फर्क क्या है। देखो पहला ग्राफ दो और दूसरा ग्राफ, व्हाइट और ब्लू दोनों ग्राफ टोटली एक जैसे हैं, वो एम्पलीट्यूड अलग है उसको छोड़ दो, शेप एक जैसी है, लेकिन व्हाइट कलर का ग्राफ जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और ब्लू वाला ग्राफ पीक से शुरू हो रहा है, मतलब एक ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है और एक यहां से। तो देखो ये वन फोर्थ ऑफ द वेव है, पूरा पूरा वेव फॉर्म का वन फोर्थ है और पूरे वेव फॉर्म में फेज एंगल टू पाई होता है, तो वन फोर्थ में फेज एंगल कितना होगा पाई बाय टू। तो ये पाई बाय टू आगे चलने का मतलब 90 डिग्री आगे चलने का मतलब वन फोर्थ ऑफ अ साइकिल आगे चलना, कि जैसी वैल्यू, रिमेंबर जैसी, जो वैल्यू नहीं, जैसी वैल्यू वाई एक्वायर कर रहा है टी बाय फोर पे या 90 डिग्री फेज एंगल पे, वैसी वैल्यू वी टाइम जीरो पे एक्वायर कर लेगा। जैसी वैल्यू y एक्वायर कर रहा है टाइम t बाय फोर पे, वैसी वैल्यू v पहले ही, जैसी मतलब पीक या मीन, वो वैल्यूज, जो वैल्यू नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर हो ही नहीं सकती, एक डिस्प्लेसमेंट और एक वेलोसिटी है। हां, इसकी पीक यहां आई और इसकी पीक वन फोर्थ ऑफ अ साइकिल पहले आ गई, इसका जीरो यहां आया और इसका जीरो पहले ही आ गया, इसकी नेगेटिव पीक यहां आई, वेलोसिटी की नेगेटिव पीक उससे पहले ही आ गई, तो वेलोसिटी आगे आगे चल रही है पहले ये। ठीक है, समझ आई ये बात सबको? यस सर, नो? यस सर।
अब उसके बाद आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ग्राफ आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इसमें अगेन साइन फंक्शन है, टाइम जीरो पे वैल्यू जीरो होगी, इसका एम्पलीट्यूड होगा ए ओमेगा स्क्वायर, मान लो ये वैल्यू है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और ऊपर कहीं यहां पे वैल्यू आ गई प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होगी। टाइम टी बाय फोर पे फेज एंगल हो जाएगा पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू इज वन, तो ए की वैल्यू वन इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब टाइम टी बाय फोर पे इसकी वैल्यू यहां होगी। टाइम टी बाय टू पे फिर जीरो हो जाएगी, ये आप खुद आगे कर सकते हैं जैसे बाकी ग्राफ हमने प्लॉट किए, यहां पर इसकी वैल्यू फिर पीक पे होगी यहां पे भी। तो अगर आप इस रेड कलर के ग्राफ को व्हाइट कलर के ग्राफ से कंपेयर करें तो आप देखोगे जहां व्हाइट कलर के ग्राफ में क्रेस्ट वाला पार्ट आ रहा है, रेड कलर के ग्राफ में ट्रफ वाला पार्ट आ रहा है, और ये इस मतलब दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट फेज में चल रहे हैं। तो दोनों में फेज एंगल कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, पाई का। एक्सेलरेशन पाई आगे चल रहा है, मतलब हाफ साइकिल आगे चल रहा है। तो वाई वाले वेव फॉर्म का आधा साइकिल देखो कहां खत्म हो रहा है, इस पोजीशन पे। तो रेड वाला ग्राफ इस पोजीशन से शुरू हो रहा है, मतलब नेगेटिव साइकिल उसका पहले शुरू हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हुई सबको? यस, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे तीसरी और फाइनल कंडीशन एसएचएम की, कि हम किस तरह पहचानेंगे किसी बॉडी का मोशन होगा कि नहीं। वो बेसिकली यहीं से आ रहा है जो हमने लास्ट कंडीशन डिराइव की, एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम कह सकते हैं बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम, एंड इफ बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम तो उसके टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? यस सर। या कर लें थोड़ा सा? नो सर, बस। अरे कर लो यार थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड है ना, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, बस दो तीन मिनट में खत्म कर रहा हूं। इज इट ओके? यस, आर यू विद मी? यस सर। हाँ, यस सर। ओके चलिए। तो बेटा हमने एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन निकाली माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन? डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन? यस नो? यस सर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। समझ आ गया ये इक्वेशन कहां से आई? बस एक्सेलरेशन को मैंने इसको उठा के लेफ्ट साइड लाया। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो ये एसएचएम की फंडामेंटल कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में। दूसरा अगर आप देखें यहां पर आए तो ओमेगा या ओमेगा का स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, किसी भी एसएचएम में ओमेगा अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, राइट? तो आप ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन ए इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आप ये कहें रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ एसएचएम। सो दिस इज फंडामेंटल कंडीशन ऑफ एसएचएम। कल को क्लास ट्वेल्थ में कहीं पे आपको कहा जाएगा चेक करो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन एसएचएम है कि नहीं, तो आप क्या करो पार्टिकल के ऊपर फोर्स ढूंढो, फोर्स को मास से डिवाइड करो। जब फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्वेशन किसकी आएगी, एक्सेलरेशन की। देखो क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव साइन को छोड़ दें तो मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन में अगर राइट साइड देखोगे वाई को छोड़ के बाकी सब अगर कॉन्स्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अगर ऐसा हो गया तो फॉर श्योर पक्की बात है दिस बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम। आप यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं दिस बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम। इज इट क्लियर? यस सर। तो फंडामेंटल क्या है, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड ऑपोजिट टू इट। दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन। हाँ, कभी कभी बॉडीज एंगुलर एसएचएम भी शो करती हैं जैसे पेंडुलम है, तो कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही हम कह सकते हैं बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट
SHM. Is it clear now? Yes, sir. और अगर एक बार आपको पता चल गया बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रही है, अब कोई आपसे कहता है बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ढूंढ दो, तो आप बहुत आराम से ढूंढ पाएंगे। कैसे? अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन की बात करें, दैट इज ओमेगा स्क्वायर वाई, है ना? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन वाई आएगी। यस सर। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यस सर। दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला है। पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि बॉडी SHM एग्जीक्यूट करेगी कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली, बाकी सब कांस्टेंट था और साथ में आ रहा था वाई, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप कंक्लूड कर पाओगे कि बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट SHM, और इसी इक्वेशन से आपको वाई अपॉन ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट ऑफ वाई अपॉन ए, रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट 2 दिन आपका ऑफ है, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे इनपुट्स दूंगा बीच में। इसके साथ आपने NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अभी नहीं होंगे, तो मैं मेंशन कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और उसके आगे कुछ अलग अलग केसेस में हम SHM स्टडी करेंगे। मतलब मेजर पार्ट आपके चैप्टर का कवर हो चुका है। यहाँ पे जो बता दिया है वो भूलना नहीं चाहिए, उसको बहुत अच्छे से गांठ बांध लो, बार बार रिवाइज कर लो, बहुत ज्यादा काम आएंगे ये सब चीजें। बस यही बेसिक रिवाइज करने हैं, लेकिन बेसिक्स को बार बार रिपीट कर लो। उसके बाद जब क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ जगहों पे अप्लाई होगा, ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, तो SHM हमेशा के लिए आपके लिए इजी बन जाएगा। और ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। एक बार सर स्क्रीन दिखा दो। हाँ उसका सर वो थोड़ा पार्ट रह गया। कोई बात नहीं। से थोड़ा सा जूम आउट कर दो। जूम आउट करूं? ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। अब दिख रहा है विजिबिलिटी? ठीक है। यस सर। यस सर, हो गया। हो गया। ठीक है ठीक है।